आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान का जीवन तनाव और डिप्रेशन से घिर गया है। इससे बचने के लिए वो थेरेपी, दवाओं और कई अन्य तरीकों का सहारा लेता आया है। इन्हीं तरीकों में से एक हंसना भी डिप्रेशन मिटाने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है। इंसान डिप्रेशन से बचने और जिंदगी के गम भूल जाने के लिए कभी अपने आसपास की घटनाओं पर हंसता है तो कभी टीवी चैनल पर आने वाले कॉमेडी शो की शरण लेता है। लेकिन किसी को हंसाना इतना आसान काम नहीं है। किसी रोते हुए इंसान को हंसाने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये काम आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि जोक लिखना बहुत ही टेढ़ी खीर है। आपने भी कई बार अपने किसी दोस्त या परिवार के लोगों को कोई जोक सुनाने की कोशिश की होगी, लेकिन इसका नतीजा उम्मीद से उल्टा ही देखने को मिलता है। तो एक जोक जो दूसरों को हंसने पर मजबूर कर दे, वो कैसा होना चाहिए, उसे कैसे लिखना चाहिए, आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सैली हॉलोवे की किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश। सैली हॉलोवे की ये किताब हमें ये तो बताती है कि एक मजेदार जोक कैसा होना चाहिए, साथ ही ये जोक लिखने के लेखिका के अपने तरीकों से रूबरू कराती है। आज के दौर में कॉमेडी शो रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। कॉमेडी शो के साथ लाइव स्टैंड अप कॉमेडी भी आज छोटे छोटे शहरों में पैर पसार चुके हैं। ऐसे में आप अगर इनमें जोक लिखकर जगह बनाने की सोच रहे हैं तो यह पुस्तक सारांश आपके लिए कारगर साबित होगा। आप इसकी मदद से जोक आइडिया को जोक में बदलना, अपने आसपास के मुद्दों से ठहाकेदार जोक बनाने और उन्हें तराश कर और ज्यादा मजेदार जोक लिख पाएंगे। अगर आप जोक लिखने के पेशे में हाथ नहीं भी आजमाते हैं तब भी आप इसकी मदद से अपनी बातों को और मजेदार बना सकेंगे, जिससे सामने वाला आपकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेगा। दिलचस्प बातों की मदद से आप लोगों को बेहद आसानी से लुभा तो सकेंगे ही, साथ ही लोगों की जिंदगी में हंसी के रंग भी घोल पाएंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब जोक लिखने और सोचने के तरीकों से रूबरू होंगे। जोक लिखने के इन सभी तरीकों से रूबरू होने के लिए आगे बढ़ते हैं एक नए सफर पर और सुनते हैं कुकू एफएम की नई पेशकश द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सैली हॉलोवे द्वारा लिखी गई किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग, और मैं हूं आरजे अंकित सिद्धू। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पन, शब्दों की हेरा फेरी। लेखिका सैली हॉलोवे किताब की शुरुआत अपनी जोक राइटिंग क्लास में पहले दिन का जिक्र करते हुए करती हैं। वो छात्रों के परिचय के बाद उनसे कहती हैं कि आज हम सभी पंस बनाना सीखेंगे। ये सुनकर कुछ छात्र निराश हो जाते हैं। तभी लेखिका उनसे कहती हैं कि पंस बहुत बेकार होते हैं। ये सुनकर निराश छात्र तो राहत की सांस लेते हैं, वहीं कुछ नए छात्र और निराश हो जाते हैं। छात्रों की मायूसी दूर करने के लिए लेखिका एक पन पढ़ती हैं कि मेरी बीवी किसी खजाने से कम नहीं है, लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने उसे कहां से खोद कर निकाला है। ये पन छात्र और लेखिका दोनों को ही बेकार लगा। तभी लेखिका ने कुछ और पन पढ़े, जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम बात कर रहे हैं, उनमें से एक कहता है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया, दूसरे ने कहा सच में, पहले वाले ने जवाब दिया हाँ हाँ मैं एकदम पॉजिटिव हूँ। ये पन सुनकर सभी छात्र हंस पड़े। लेखिका इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखती हैं कि ये भले ही एक आसान पन हो, लेकिन इसके लिए विषय चुनना एक मुश्किल काम है जो कि शब्दों की जोड़ तोड़ से बनता है। लेखिका चाहती हैं एक जोक को एक जोक की ही तरह देखा जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और जब आप जोक लिखने की शुरुआत ही कर रहे हैं तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। जब तक आप एक बुरा जोक नहीं लिखेंगे तब तक एक अच्छा जोक लिखने के चांस बहुत कम है। क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेखिका पन मास्टर टिम वाइन के लिखे कुछ और पन पढ़ती हैं, जैसे कि मैंने जिम इंस्ट्रक्टर से पूछा क्या आप मुझे स्प्लिट्स करना सिखा सकते हैं, उसने मुझसे पूछा आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, मैंने उससे कह दिया कि मैं मंगलवार को नहीं कर पाऊंगा। वहीं दूसरा है कि मैंने ट्रेन के ड्राइवर से कहा मुझे पेरिस जाना है, उसने जवाब दिया यूरोस्टार। मैं उससे बोला टीवी पर तो कई बार आया हूं पर डीन मार्टिन जितना नहीं। पन सुनाकर लेखिका ने छात्रों से पूछा कि ये अच्छे थे या बुरे।
लेखिका के अनुसार ये सवाल जायज था, क्योंकि ये पन सुनकर कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया और कुछ का कोई रिएक्शन ही नहीं आया। लेखिका ने उनको समझाया कि जब जिम इंस्ट्रक्टर फ्लेक्सिबल होने की बात करता है, तब वो शरीर के फ्लेक्सिबल होने की बात करता है, लेकिन वो इंसान अपने शेड्यूल के हिसाब से जवाब दे देता है। वहीं यूरोस्टार को दूसरा शख्स यू आर अ स्टार समझता है और अपना जवाब देता है। इसी तरह शब्दों के दोहरे मतलब और उनको जोड़ तोड़ कर पन बनाया जा सकता है। इससे आप एक शब्द के बारे में नई तरह से सोच पाते हैं, जिससे पुराना और आम सा शब्द भी नया लगने लगता है, और शब्दों को नए पहलू से तोड़कर या जोड़कर फिर उनका अर्थ दूसरी तरह से सोचकर पन बनाया जा सकता है। जैसे कि ब्रॉडबैंड को हम मोटे लोगों का बैंड बुला सकते हैं। लेखिका कुछ ऐसे ही शब्दों को घुमा फिरा और उनके नए अर्थ से बने पन बताती हैं। जैसे कि जब मैं बच्चा था तब सोचता था कि रेसिस्ट वो होते हैं जो अच्छा दौड़ लेते हैं। मैं काले लोगों के पास जाता और कहता कि तुम अच्छा दौड़ते हो, बड़े होकर तुम अच्छे रेसिस्ट बनोगे। लेखिका इसी कड़ी में छात्रों को और भी शब्दों के नए मतलब ढूंढने के लिए कहती हैं, जैसे कि डायलिसिस, जिसको तोड़कर बना अपनी बहन को फोन करना, फोनेटिक्स को तोड़कर फोन और एटिकेट यानी फोन पर बात करने की तमीज। इसी तरह हिंटरलैंड को तोड़कर हुआ वो जगह जहां पर सभी हिंट देकर ही बात करते हों। लेखिका फिर अपने छात्रों को ऐसे शब्दों को ढूंढने का तरीका बताती हैं। वो कहती हैं, डिक्शनरी या मैगजीन से ऐसे शब्द आसानी से ढूंढे जा सकते हैं और उनको तोड़कर नया मतलब गढ़ा जा सकता है, और अच्छा मतलब निकल आए तो एक बढ़िया जोक भी बन सकता है। शब्दों के नए मतलब गढ़ने के बाद लेखिका छात्रों को ऐसे शब्दों को पूरे वाक्य या जोक में ढालना सिखाती हैं, जिसके लिए वो छात्रों को ऐसे ही जोक सुनाती हैं कि दो मछलियां एक टैंक में थीं, तभी एक ने दूसरी से कहा, क्या तुम इस टैंक को ड्राइव करना चाहती हो? लेखिका ने इसको आसान बनाते हुए कहा, पता है मछलियां जंग में बेहतर क्यों होती हैं? क्योंकि वो टैंक में रहती हैं। वो वर्ड प्ले और पन का अंतर समझाते हुए कहती हैं कि वर्ड प्ले में दो शब्द एक वाक्य में एक दूसरे को पूरा करते हैं और उसका एक मतलब होता है, वहीं पन में सिर्फ दो शब्द जोड़े गए होते हैं, उन दोनों के एक साथ होने पर कोई मतलब भी बने ये जरूरी नहीं। साथ ही लेखिका समझाती हैं कि जब भी कोई जोक लिखा जाता है, हो सकता है कि वो शुरुआत में महज एक पन हो, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर एक बढ़िया वर्ड प्ले या जोक बनाया जा सकता है। तो जब भी आप कोई पन सोचें तो उसे लिख जरूर लें, भले ही वो खराब ही क्यों ना हो। शुरुआत में आप कोई भी कथन लेकर उसको अलग अलग अंदाज और पहलू से सोचिए। इस तरह से आप एक ऐसे पहलू पर जरूर पहुंच जाएंगे जहां पर एक जोक आपका इंतजार कर रहा होगा। लेखिका पन बनाने और शब्दों के नए मतलब ढूंढने के लिए टिप्स देते हुए कहती हैं कि अगर आपको शब्दों के दोहरे मतलब लोगों के बताने के बाद समझ आ रहे हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, बस आपको शब्दों के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। आप शब्दों को जोर जोर से बोलिए, उन्हें बोलते हुए रुकिए और उन्हें तोड़कर एक नया मतलब गढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी तरह वो कहती हैं कि डिक्शनरी पढ़ते समय घबराइए या तनाव मत लीजिए। आपको एक पेज पर ज्यादा से ज्यादा दो ऐसे शब्द मिल सकते हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए। और अगर आपके लिखे हुए पन और शब्दों के नए अर्थ बहुत बेकार हैं, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप बस लगे रहिए। आपका पन जल्द ही वर्ड प्ले की शक्ल ले लेगा और लोगों को जरूर हंसाएगा। और इसी तरह आप अपने पंस को जोक की शक्ल में बदलना सीखें। इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, साथ ही लोग उन्हें किस तरह अपने स्केच या जोक में इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर भी गौर कीजिएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है और बढ़ते हैं एक नए एपिसोड की ओर, जहां हम जानेंगे जोक लिखने के कुछ और तरीके। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश सिर्फ कुकू FM पर। दिमाग को जोक लिखने के काम में लगाएं। लेखिका कहती हैं कि वो अपने छात्रों को हमेशा से बताती आई हैं कि जब वो जोक लिखने में थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तब उनका दिमाग ब्रेक लेते समय या और कोई काम करते वक्त भी उसी जोक पर काम कर रहा होगा। लीग ऑफ जेंटलमैन जैसे हिट कॉमेडी शो लिखने वाले रीस शेयर स्मिथ
और स्टीव पेम्बर्टन का भी यही कहना है कि ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि वो जोक लिखने के लिए बैठे हों और कोई जोक लिख पाए हों, बल्कि रात को या जिम में उन्हें जोक लिखने के आइडियाज आए। सैली हॉलोवे बताती हैं कि उनके छात्र उन्हें हमेशा कहते हैं कि उन्होंने जोक लिखने के लिए घंटों तक बैठकर माथापच्ची की, मगर ये सिर्फ वक्त की बर्बादी साबित हुई। लेकिन जब भी वो टीवी देखने या कोई और काम कर रहे होते हैं तो उन्हें जोक लिखने के आइडियाज अचानक से आ जाते हैं। लेखिका सैली भी इस बात से सहमत हैं, मगर उनका मानना है कि अगर आप जोक लिखने ही नहीं बैठते और दिमाग की नसों को दौड़ाया नहीं होता तो शायद टीवी देखते हुए आपको ये आइडिया नहीं आया होता। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसमें हम कुछ संख्या डालते हैं और कंप्यूटर कैलकुलेशन कर एक रिजल्ट हमारे सामने ले आता है। लेकिन दिमाग की अजीब बात यह है कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपका दिमाग काम कर रहा है और अचानक से यह आपके सामने एक जोक पेश कर देगा। इसलिए आप हमेशा अपने साथ एक छोटी नोटबुक रखें, क्या पता किस वक्त लिखने की जरूरत पड़ जाए। सैली हॉलोवे अपने स्टैंड अप करियर की बात करते हुए कहती हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करने से पहले मैंने बैठकर एक भी जोक नहीं लिखा। मैं तुरंत मौके पर जोक बनाने में माहिर थी। मैंने सोचा नहीं था कि बाकी लोगों की तरह बैठकर अपने जोक्स लिखूंगी। स्टैंड अप शुरू करने से पहले सुकून से बैठकर जोक ना लिखने का कारण ये भी था कि मैंने कभी अपने दिमाग को इस काम के लिए तैयार ही नहीं किया था। इसलिए नतीजा ये रहा कि मैंने ना तो कभी बैठकर जोक लिखने की कोशिश की और ना ही कभी जोक लिखा। इससे तो यही बात पता चलती है कि आपको अपने दिमाग को काम पर लगाना ही पड़ेगा। इसे रोजाना पूरी तरह से इस प्रक्रिया में शामिल करना होगा। कहा जाता है कि जेरी सीनफील्ड को जिस दिन जोक लिखने होते थे वो उस दिन अपने कैलेंडर में लाल रंग का क्रॉस बना देते थे। उनका मानना था कि रोजाना ऐसा करने से एक चेन बन जाएगी। रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करते रहने से ये चेन लंबी होती जाएगी और जब ये चेन लंबी होती जाएगी तो आपको इसे देखकर खुशी होगी। ये खुशी तुरंत एक दो दिन में नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ हफ्ते इस प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन भी करना होगा, मगर ध्यान रहे ये चेन टूटने ना पाए। लेखिका सैली हॉलोवे जेरी सेनफील्ड की इस प्रक्रिया को समझाते हुए कहती हैं कि वो रोजाना लिखकर अपने दिमाग को जोक्स पर काम करने के लिए ज्यादा समय दे रहे थे। इससे उनका दिमाग दिन के बाकी समय कोई और काम करते हुए भी उन जोक्स पर काम करता रहता था। अगर वो अपने तय समय पर जोक नहीं भी लिख पाते थे तो भी वो उसे समय की बर्बादी नहीं मानते थे, बल्कि वो ऐसा कर अपने दिमाग को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेते थे। रोजाना लिखने की सबसे खास बात यह है कि कई बार ऐसा भी होगा कि आपका दिमाग कई तरह की चीजों में उलझकर ये बिल्कुल भूल जाएगा कि आपको जोक किस आइडिया पर लिखना था। तब आपको अपनी नोटबुक में झांक कर देखने की जरूरत पड़ेगी ताकि ये पता चल सके कि आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे थे। आप नोटबुक में लिखे जोक के खास भाग को हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिससे आप जोक के आइडिया को पकड़कर दिमाग को उसे आगे बढ़ाने के काम में लगा सकें। इसका एक फायदा ये भी होगा कि आप अपने पुराने आइडिया की एक झलक मात्र से उसे नए आइडिया से जोड़ सकेंगे। इस तरह आपकी छोटी सी प्रक्रिया रंग दिखाने लगेगी। लेखिका सैली हॉलोवे कहती हैं कि रोजाना लिखने की प्रक्रिया तो एक तरफ रही, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी प्रेशर या एक सीमित समय में भी जोक लिखने होते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पास किसी एक आइडिया पर सोच विचार कर लिखने का समय कम ही होता है। लेकिन दिमाग की अच्छी बात यह है कि जब आप किसी जोक के आइडिया पर काम कर रहे होते हैं तब आपका दिमाग दूसरे आइडिया पर काम कर सकता है। लेखिका ने इस प्रक्रिया को व्हीलिंग का नाम दिया है। उनके अनुभव के अनुसार जब भी वो किसी एक आइडिया पर काम करते करते उसके सारे पहलुओं को जोक की शक्ल में ढाल देती हैं, तो वो आइडिया काम करने लायक नहीं रह जाता है। उस पुराने आइडिया को छोड़कर वो किसी नए आइडिया की ओर बढ़ जाती हैं, मगर दिमाग उस पुराने आइडिया पर अभी भी काम कर रहा होता है। और लेखिका जब उस पुराने आइडिया की ओर मुड़ती हैं तब तक दिमाग उसके कुछ और पहलू खोलकर उनके सामने रख देता है। इस तरह जोक के दो आइडिया तैयार हो जाते हैं। लेखिका कहती हैं कि जब आपके पास बहुत खाली समय होता है तब लिखना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप एक समय तय कीजिए, उसी दौरान जोक लिखिए। अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो खुद ही तय कर लीजिए। एक तय वक्त पर किसी जोक के आइडिया पर माथा पच्ची कीजिए, फिर किसी और काम में लग जाइए।
इससे आपका दिमाग जोक सोचने के काम में लग जाएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। लेखिका कहती हैं कि हमारा दिमाग बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उसे काम पर लगाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं। जानेंगे जोक लिखने के कुछ और तरीके अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश हमारे यानी कुकू FM के साथ। किसी खास आइडिया को जोक में कैसे बदलें? लेखिका सैली हॉलवे किताब के इस भाग में अपने छात्रों को सिंगल जोक वेब यानी कि किसी एक विषय से जुड़े किसी एक खास पहलू और विचार को पहचानने और उससे जोक या पन बनाना सिखाती हैं। वो इसकी शुरुआत करते हुए मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि ये जोक सिंगल इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें कोई साथ देने वाला नहीं मिला, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये खुद अकेले ही काफी हैं। वो आगे बताती हैं कि अब तक हमने पन और शब्दों का जोड़ तोड़ करना सीखा है, अब किसी को आगे बढ़ाते हुए हम कोई एक विषय चुनकर फिर उसके साथ जुड़े पहलुओं में से एक चुनेंगे और उसी की मदद से जोक या पन बनाएंगे। फिर वो छात्रों को एक विषय चुनने के लिए कहती हैं। छात्र हड़ताल शब्द चुनते हैं और लेखिका उसे बोर्ड पर लिखकर छात्रों से उससे जुड़ी चीजें बताने के लिए कहती हैं, जिसके जवाब में छात्र बाहर निकलना, यूनियन, रिफाइनरी कर्मचारी, मार्गरेट थ्रेचर, टीचर और सैलरी बढ़ाने की मांग जैसे पहलू गिनाते हैं। तब लेखिका छात्रों को बताती हैं कि अगर हम जोक लिखना चाहते हैं तो हमें हड़ताल के बारे में भूल जाना होगा और उससे जुड़े पहलुओं को विषय से जोड़कर जोक लिखना होगा। लेखिका लिखे गए पहलुओं में से बाहर निकलना चुनती हैं और छात्रों से कहती हैं कि अब हड़ताल शब्द को भूल जाइए और बाहर निकलने के बारे में सोचिए। इसके शब्दों को अलग अलग करके देखिए और सोचिए कि क्या आप किसी शब्द को बदल सकते हैं या उन्हें हड़ताल से एकदम अलग करके सोचिए। तब छात्र सोचते हुए इतराते हुए जाना कोंगा डांस जैसे जवाब देते हैं और इसी तरह कई और शब्द भी बाहर निकलने के लिए जोड़ते हैं। थोड़ी देर की माथापच्ची के बाद लेखिका इतराते हुए जाना शब्द को चुनती हैं और छात्रों से उसे फिर से हड़ताल के साथ जोड़ने के लिए कहती हैं। छात्र इस पर सोच विचार कर कहते हैं, जब एक्टर्स का यूनियन हड़ताल पर जाता है तब वे इसी अदा के साथ बाहर निकलते होंगे। एक और छात्र कहता है कि एक्टर इतराते हुए बाहर नहीं निकलते होंगे बल्कि अपने रोल के खत्म होने के बाद स्टेज छोड़ देते होंगे। इस तरह से शब्दों की एक कड़ी तैयार हो जाती है, बाहर निकलना, फिर इतराते बाहर निकलना, उसके बाद आया एक्टर और फिर आया स्टेज छोड़ना। लेखिका इसी तरह कॉन्गो डांस को भी हड़ताल के साथ जोड़ने के लिए चुनती हैं। उन्हें ये शब्द हड़ताल के साथ मुश्किल लग रहा होता है मगर छात्र इसे आसान बना देते हैं। एक छात्र इसका जवाब देते हुए कहता है कि जब डांसर हड़ताल करें तब वो कोंगा करते हुए गेट के बाहर खड़े हो सकते हैं। लेखिका फिर यही एक्सरसाइज बाहर निकलने से जुड़े एक और शब्द अलग अलग दिशाओं में घूमने के लिए भी चुनती हैं और इस शब्द को हड़ताल के साथ जोड़ने के लिए कहती हैं। एक छात्र जिसका जवाब देता है कि एक आम आदमी का यूनियन हड़ताल करते समय बाहर निकलने की बजाय अलग अलग दिशाओं में कंफ्यूज होकर घूमने लग जाता है। बाहर निकलने से ही जुड़े शब्द तेज दौड़ने पर छात्र जवाब देते हैं, ऐसे लोग हड़ताल शुरू होने से पहले ही 10 मील की दूरी तय कर लेते हैं। और इसी तरह सैली हॉलवे छात्रों को अलग अलग दिशाओं में कंफ्यूज होकर घूमने को हड़ताल और बाहर निकलने को लेकर कई और वर्ड प्ले तैयार करती हैं। इस तरीके से वो किसी और विषय के अलग अलग पहलुओं को पहचान कर फिर उस पहलू को अलग अलग तरीके और नए मतलब देकर वापस से विषय से जोड़ना सिखाती हैं और इसी आसान तरीके से जोक बन जाता है। वही कहती हैं कि आप एक विषय के अलग अलग पहलू के बारे में सोचकर और उन्हें नए मतलब देते हुए वापस विषय से जोड़ते हुए नए जोक आइडिया तैयार कर सकते हैं। आप एक विषय के कितने अलग अलग पहलू सोच सकते हैं ये पूरी तरह से आप पर है। बस इसका एक ही मंत्र है कि नए मतलब गढ़कर उसे पुराने विषय से जोड़ते रहना है। आप पहलुओं के शब्दों को तोड़कर उन्हें बदलकर उसे किसी अलग मुद्दे में फिट कर या उसी आवाज जैसा मिलता जुलता शब्द ढूंढकर उसे एक नया मतलब दे सकते हैं। सैली हॉलवे जोक राइटर्स को टिप्स और उनकी समस्याओं को सुलझाते हुए कहती हैं कि हो सकता है कि एक विषय के अलग अलग पहलुओं और उससे जुड़ी हुई चीजों के नए मतलब ढूंढने के बाद भी हम कोई जोक नहीं बना पाए। ऐसा इसलिए होता है कि जो पहलू आप सोच रहे हैं
उनका कोई मतलब ही नहीं बनता हो। जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट विषय के एक पहलू कार के बारे में देखें, तो अगर हम सिर्फ उसके ब्रांड या कंपनी का नाम लेते हैं तो हम कोई पन मुश्किल से ही बना पाएंगे। लेकिन वहीं अगर अलग तरह की कार जैसे टॉय कार, केबल कार और उसके शब्द को कार्टून के साथ जोड़ दें तो कई जोक बन जाएंगे। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही वो कहती हैं कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि आप जब अकेले जोक वेब बनाने बैठें तो शायद ही कोई जोक बना पाए, क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं तब अलग अलग आइडिया निकल कर सामने आते हैं और आप उनके बारे में सोच पाते हैं, जबकि अकेले में शायद ही ऐसा हो पाता है। इसलिए जब भी आप लिखने बैठें तो जोक वेब बनाते समय तेज आवाज में बोलें, जिससे कि आप खुद को जज करना छोड़ देंगे और बेपरवाह होकर अलग अलग आइडिया सोच सकेंगे। आप अपने लिए एक जोक पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं, और सबसे जरूरी बात है कि आप लगातार लिखते रहें, भले ही आपका आइडिया कितना भी बुरा क्यों ना हो। इस एपिसोड का यही अंत करते हैं और निकल पड़ते हैं जोक लिखने के एक नए तरीके की ओर, जिसे जानेंगे हम इस पुस्तक सारांश के अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं सैली हॉलोवे की किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश कुकू FM पर। जोक कहां है? सैली हॉलोवे किताब के इस भाग में कहती हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक विषय आधारित कॉमेडी शो में बतौर लेखक काम दिया जाए, जहां आप कोई भी खबर या समाचार छोड़ नहीं सकते, जैसे फला नेता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपको ये खबर मजेदार नहीं लगी क्योंकि आप किसी सेलिब्रिटी से जुड़ी चटपटी खबर की तलाश में थे। ऐसे में आप अपनी टीम से ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि नेता के इस्तीफे से जुड़ा कोई जोक नहीं है। किसी भी खबर के आने के तुरंत बाद ही इंटरनेट पर उससे जुड़े सैकड़ों जोक शेयर होते हैं। अगर आपको खबरों से जुड़े जोक लिखने हैं तो आपको किसी भी बोरिंग खबर पर जोक लिखने होंगे, और ये करना कोई बड़ा काम नहीं है। किसी भी खबर से जुड़े शब्दों, पहलुओं को अदल बदल कर आप आसानी से जोक लिख सकते हैं। लेखिका इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि अगर हम किसी भी मजेदार जोक को देखें तो वो किसी भी विषय के अनछुए पहलुओं या उनके शब्दों में हेरा फेरी करके ही बनाया गया होता है। किसी भी खबर पर जोक लिखने के लिए आपको ऐसे ही नजरों की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खबरों से जुड़े मजेदार जोक लिखने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बल्कि ऐसी खबरें कहां मिलेंगी और उन पर कैसे नजर रखनी है, ये ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। लेखिका सैली हॉलोवे इसी से जुड़ा अपना निजी वाक्य साझा करते हुए बताती हैं कि साल 1998 में उन्होंने चैनल 4 के लिए 11 o'clock शो बना रही कंपनी के लिए बतौर लेखक ऑडिशन दिया। इस शो के ऑडिशन में उन्हें 3 दिन में ज्यादा से ज्यादा जोक लिखने का टास्क दिया गया, मगर जोक सिर्फ उन्हीं विषयों पर लिखने थे जो उस दौरान अखबार में छपे हों। अगस्त का उमस भरा महीना चल रहा था और जो कोई भी सेलिब्रिटी चटपटी खबरें दे सकते थे वो सब बाहर छुट्टियां मना रहे थे और दुनिया में भी कुछ खास हो नहीं रहा था। लेखिका ने इस बारे में अपने साथी लेखक से भी बात की, उसने भी इस शो के लिए ऑडिशन दिया था। उसने भी यही कहा कि आजकल अखबार में जोक लिखने लायक कोई खबर है ही नहीं। लेखिका के दोस्तों ने उनसे यही बात कही, मगर अखबार तो अब भी छप ही रहे थे, उनके पेज की संख्या भी कम नहीं थी। इसका मतलब था कि खबरें अभी भी हैं, बस उन्हें देखने की जरूरत है। दुनिया भर में टीवी और रेडियो पर खबरों से जुड़े कॉमेडी शो अभी भी जारी थे। उनके लेखक भी तो मौजूदा खबरों के साथ ही अपना शो लिख रहे थे। लेखिका सैली हॉलोवे ने भी इसी मंत्र के साथ अपने ऑडिशन का टास्क पूरा करने का फैसला किया। लेखिका बताती है कि उन्होंने जब अखबार खोला तो उसमें संसद के पास मंत्रियों के लिए ऑफिस बनाने का जिक्र था। इसके साथ ही व्यापार से जुड़े नए पैमाने की भी चर्चा थी। वहीं अखबार के एक छोटे से कोने में प्रिंस विलियम्स के ड्राइविंग सीखने की भी खबर छपी थी। इसी तरह लेखिका अगले 3 दिनों तक अखबारों में खोई रही। उन्होंने लंबे लंबे पैराग्राफों की आखिरी लाइन, छपी हुई फोटो और हेडलाइन में जोक ढूंढने की कोशिश की। वो जानती थी कि खबर चाहे कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो, उसके नए पहलुओं और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर एक अच्छा जोक बनाया जा सकता है। लेखिका ने इसी तरह शब्दों को तोड़कर और उन्हें नए अंदाज में जोड़कर जोक लिखे। जैसे कि उन्होंने लिखा, मंत्रियों के लिए बन रहे ऑफिस से अब उन्हें सेक्रेटरी के साथ एंजॉय करने में आसानी होगी, और व्यापार के नए पैमानों को उन चीजों से जोड़ा जिन पर वो आमतौर पर जुड़ते नहीं हैं,
जैसे कि अंडरगार्मेंट्स। वहीं प्रिंस विलियम्स की ड्राइविंग को लेकर एक विजुअल स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें एक शाही जुलूस में सभी 30 कारों को एक साथ रिवर्स करते दिखाया जाना था। लेखिका ने तो अपना ऑडिशन टास्क पूरा कर भेज दिया, मगर उनके दोस्त ने कुछ भी नहीं भेजा। उसे यही लगता रहा कि अखबार में कोई भी जोक लिखने लायक खबर नहीं है, जबकि एक अच्छा जोक एक अच्छी चटपटी और मसालेदार खबर से ही बनता है। हालांकि सच ये था कि उसने अखबार ढंग से पढ़ा ही नहीं था। लेखिका कहती हैं कि इस अनुभव से उन्हें ये बात पक्की हो गई कि जोक लिखने के लिए खबरों की कोई कमी नहीं है। बोरिंग खबरों पर भी आसानी से शब्दों को जोड़ तोड़ कर जोक लिखे जा सकते हैं। अगर जोक खराब भी बने तो जरूरी नहीं कि इसे इस्तेमाल ही किया जाए, बल्कि आप इसकी मदद से एक नया जोक लिख सकते हैं या किसी दोस्त को सुना सकते हैं। अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे जोक लिखने के कुछ और तरीके। आप सुनते रहिए द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश हमारे यानी कुकू FM के साथ। दो आइडियाज को जोड़कर जोक कैसे बनाएं। अपनी जोक राइटिंग क्लास के तीसरे हफ्ते की शुरुआत सैली हॉलोवे छात्रों को एक इम्प्रूव गेम खिलाकर करती हैं। इसके बाद छात्र जब क्लास के लिए वार्म अप हो गए तो उन्हें बिठाकर लेखिका सैली हॉलोवे पूछने लगी, क्या उन्होंने लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में सुना है? क्लास में ज्यादातर छात्रों ने इसके बारे में सुन रखा था, मगर ये नहीं मालूम था कि वो ऐसा क्यों पूछ रही हैं। छात्रों की जिज्ञासा शांत करने के लिए लेखिका उन्हें बताती हैं कि हम लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जैसा ही कॉन्सेप्ट जोक लिखने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस तरीके में किन्हीं दो अलग अलग विषयों के अलग अलग पहलुओं को फिर से विषय से जोड़कर जोक बनाया जाता है, जिसे डबल जोक वेब भी कहा जाता है। लेखिका इसका उदाहरण देते हुए एक जोक सुनाती हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आजकल नेता बाइसेक्सुअल होना कबूल रहे हैं, इससे चुनाव के समय वो एग्जिट पोल में दोनों तरफ पलटी मार सकेंगे। लेखिका का ये जोक नेता और बाइसेक्सुअल जैसे दो विषयों के अलग अलग पहलुओं या जोक वेब से मिलकर बना है। वो इसे और आसान बनाते हुए छात्रों को समझाती हैं। वो कहती हैं कि हालांकि दो विषयों के अलग अलग पहलुओं को जोड़कर जोक बनाना आसान काम नहीं है, दोनों में एक कड़ी ढूंढना एक मुश्किल काम हो सकता है, जिसे जोर देकर ही जोड़ा जा सकता है, और हैड्रॉन जोक कोलाइडर इसी मुश्किल काम को आसान बनाने में मदद करता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सैली हॉलोवे छात्रों से दो विषय चुनने के लिए कहती हैं। छात्र आर्ट और रिलेशनशिप को चुनते हैं, फिर इन्हीं विषयों से जुड़े अलग अलग पहलुओं और शब्दों को पहचानने का सिलसिला शुरू हो जाता है। छात्रों ने रिलेशनशिप में गलतफहमी, प्यार, परिवार की तस्वीर, जुड़ाव, सेक्सुअल जैसे आइडियाज गिनाए। वहीं आर्ट से जुड़े पहलुओं में छात्रों ने सेल्वाडोर डाली, एंडी वारहोल, आर्ट डीलर टेटे गैलरी परिवार की तस्वीर और ग्रेफिटी जैसे आइडियाज का नाम लिया। सैली हॉलोवे फिर छात्रों को निर्देश देती हैं कि रिलेशनशिप से जितने भी शब्द या पहलू जुड़े हैं उनको आर्ट से जोड़ने की कोशिश करें। भले ही जोक आइडिया कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके बारे में सोचे जरूर। फिर ठीक इसी तरह आर्ट से जुड़े सभी शब्दों और पहलुओं को रिलेशनशिप से जोड़ने की कोशिश करनी है। हालांकि रिप्रोडक्शन, न्यूड जैसे शब्द आर्ट और रिलेशनशिप दोनों में ही आ रहे थे, मगर सैली हॉलोवे ने इन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा, क्योंकि इन्हें जोड़ना बेहद आसान था, लेकिन वो चाहती थी कि छात्रों को कुछ सीखने को मिले। इसलिए वो आर्ट से जुड़े एंडी वेरहॉल और उनसे जुड़े पहलुओं आइडिया को रिलेशनशिप से जोड़ने की कोशिश करने लगी। वो क्लास के साथ दोनों को जोड़ने की माथापच्ची में काफी देर तक लगी रही, जिसके बाद कई जोक निकल कर सामने आए, जिनमें से कुछ इस तरह थे कि एक बार मैं एक आर्ट डीलर के साथ डेट पर गई, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई क्योंकि वो जानता था कि मेरा ऑर्गेज्म फेक है। छात्रों ने दूसरा जोक बनाया कि मेरा परिवार इतना अजीबोगरीब है कि हमारी तस्वीर भी सेल्वाडोर डाली ने बनाई है। एक और जोक इस तरह था कि मैं एक बार टाटे गैलरी गया, वहां पर लोगों को चीनी इतनी पसंद थी कि वहां की तस्वीरें भी उसके दानों की तरह चौकोर थीं। लेखिका सैली हॉलोवे इसके साथ ही उन पहलुओं पर भी काम करने का तरीका बताती हैं जहां जोक बनने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसी क्लास में सैली हॉलोवे अपने छात्रों को दो विषयों को जोड़कर जोक बनाने के लिए विषय चुनना भी सिखाती हैं। ये सिखाते हुए वो छात्रों से कहती हैं कि सबसे पहले कोई भी दो विषय चुन लीजिए, चाहे वो एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों ना हो। हम इसके लिए खबरों का भी सहारा ले सकते हैं,
जैसे कि कई बार नेताओं सेलिब्रिटीज के अजीबोगरीब शौक के बारे में खबर आती है। इसकी मदद से हम एक विषय नेता या सेलिब्रिटी को चुन सकते हैं, वही विषय उसका शौक हो सकता है। इसी तरह हम अपने आसपास की चीजों को विषय के तौर पर लेकर उनके अलग अलग पहलू या जोक वेब बना सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जिंदगी में एक दूसरे के उलट काम कर चीजों को भी एक आइडिया के तौर पर शामिल किया जा सकता है। जैसे कि हम रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी तलाश नहीं करना चाहते। ऐसे ही नए नए शब्दों और तकनीकों को विषय बनाया जा सकता है। सैली हॉलवे ने छात्रों को डबल जोक वेब से जुड़ी हुई कई टिप्स और सलाह भी दी हैं। वो कहती हैं कि अगर जोक वेब बनाने के बाद भी जोक बनाने का आइडिया नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके तरीके में कोई कमी रह गई है। इसलिए आप अपने चुने गए विषयों के पहलुओं को जोड़ तोड़ कर देखें, उसकी जगह कोई और शब्द रख दें, उस पहलू को किसी और सिचुएशन में रख कर देखें, या उसके जैसी आवाज वाला शब्द उसकी जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। इन विषयों पर लगातार सोचते रहने से आपको आइडियाज जरूर मिल जाएंगे, और अगर आपको आइडिया नहीं भी आता है तो भी कोशिश जारी रखें। इसी सलाह के साथ इस एपिसोड का यही अंत करते हैं। उम्मीद है कि जोक लिखने का ये तरीका आपको जरूर काम आएगा। इसी तरह के जोक लिखने के तरीकों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए सैली हॉलवे की किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश हमारे यानी कुकु FM के साथ। घबराहट है जोक लिखने की दुश्मन। लेखिका किताब के इस भाग में कहती हैं कि अच्छे से अच्छे क्रिएटिव लोग भी कई बार घबरा जाते हैं। वो कहती हैं कि हाल ही में उन्होंने पॉल मैकर्टनी की पुरानी फिल्म देखी, जिसमें वो रॉयल वैरायटी परफॉर्मेंस में यस्टरडे गीत गाते हैं। हालांकि फिल्म के अभिनेता ने लोगों के सामने कभी गाना नहीं गाया था, यहां तक कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं। पॉल मैकर्टनी ने बाद में ये स्वीकार भी किया कि वो गाना गाते समय बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने फिर भी गाना गाने का फैसला किया। लेखिका सैली हॉलवे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि हमें ये बात माननी ही पड़ेगी कि हम सभी घबराते हैं। हालांकि एक क्रिएटिव इंसान अपना काम आखिरकार कर ही लेता है, मगर कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो घबराहट के कारण कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। दोनों तरह के लोगों में बस यही फर्क है कि काम करने वाले इंसान अपनी घबराहट को एक किनारे रखकर अपना काम जारी रखते हैं। लेखिका सैली हॉलवे का मानना है कि घबराहट को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले किस्म की घबराहट में वो लोग आते हैं जिन्हें ये लग लिख ही नहीं सकते। इस तरह की घबराहट आपको काम शुरू करने तक से रोक लेती है। अक्सर इस तरह की घबराहट से लोग तरह तरह के काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि काम शुरू करने से पहले बार बार चाय पीना या फिर कमरे और बाथरूम की सफाई करना। इस घबराहट के शिकार लोग अगर काम शुरू कर भी देते हैं तो उन्हें हार मानने की भी जल्दी रहती है। ये लोग मानकर चलते हैं कि अगर पहले 3 मिनट में जोक नहीं लिखा गया तो वो इस विषय पर जोक लिखेंगे ही नहीं। वहीं दूसरे किस्म की घबराहट के शिकार लोग ये मानकर चलते हैं कि जो भी जोक वो लिखें वो बेहतरीन ही होना चाहिए, इसे सुनकर लोगों को एक ही बार में हंसी आ जाए। इस किस्म की घबराहट में अगर आप जोक लिखना शुरू कर भी दें और हो सकता है कुछ अच्छे जोक भी मिल जाएं, लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और ना ही इन पर फिर से काम किया जा सकता है। आप उन्हें एकदम से छोड़ देंगे, उनको बेहतर करने के लिए काम भी नहीं करेंगे, यहां तक कि उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। इस तरह से जो थोड़ी बहुत मेहनत आपने की थी वो एकदम बर्बाद हो जाएगी। वहीं तीसरे किस्म की घबराहट में लोग ये सोचने लगते हैं कि जो भी जोक उन्होंने लिखा है वो लोगों को एकदम खराब लगेगा। इस घबराहट के शिकार लोग अच्छे जोक होने के बावजूद उन्हें सुनाते समय अपना विश्वास खो बैठते हैं। इस तरह के लोग अपने अच्छे जोक्स को भी लोगों के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। फिर एक दिन उन्हें ये एहसास होता है कि ये जोक अच्छा था, मगर अब इसको सुनाने का वक्त निकल चुका है। सैली हॉलवे कहती हैं कि हम सभी अलग अलग किस्म की घबराहट के शिकार होते हैं, लेकिन घबराहट की हर किस्म हमारे अंदर के जोश और उत्साह को है, लेकिन इसको दबा कर रखने से घबराहट बढ़ती ही जाएगी। लेखिका कहती हैं कि जब जब मुझे घबराहट होती है मैं इसे बस मान लेती हूँ। घबराहट के समय मैं यही कहती हूँ कि हाँ, मुझे घबराहट हो रही है, हमेशा ही होती है।
लेकिन मैं काम करती रहती हूँ, अलग अलग आइडिया पर काम करती हूँ, जोक के विभिन्न पहलुओं पर काम करती हूँ। इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ काम करना और काम को समय देना ही रहता है। सैली हॉलोवे कहती हैं कि ये घबराहट धीरे धीरे ही गायब होगी। मैं तो जब भी जोक लिखने बैठती हूँ हमेशा घबराहट की वजह से यही सोचती हूँ कि इस बार कोई जोक नहीं लिख पाऊंगी, मगर फिर भी इस ख्याल के साथ ही अपना काम शुरू करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगी, और इसी सोच के साथ अलग अलग आइडिया पर काम करना जारी रखती हूँ। जब भी घबराहट होती है तब एक लंबी सांस लेती हूँ और अलग अलग आइडिया के नए नए पहलुओं पर काम करने लगती हूँ। लेखिका कॉमेडियन का हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े कॉमेडियन हो, घबराहट सबको होती है, लेकिन इस पर जीत उसे स्वीकार कर ही हासिल की जा सकती है। इसे स्वीकार कीजिए और अपना काम जारी रखिए। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं। जानेंगे जोक लिखने के कुछ और तरीके द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग के पुस्तक सारांश के नए एपिसोड में। अखबार से जोक कैसे लिखें? सैली हॉलोवे जोक राइटिंग कोर्स के चौथे हफ्ते में अपनी क्लास के छात्रों को अखबार या खबरों से जोक लिखना सिखाती हैं। इसलिए क्लास के सभी छात्र अपने साथ अखबार लेकर आए थे। क्लास की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो जोक खबरों से बने होते हैं असल में वो खबरों से जुड़े नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे जोक साधारण जोक ही होते हैं, मगर वो इसी बात को साबित करने के लिए Have I Got News for You शो के लिए लिखी गई महारानी के इटली टूर से जुड़ी स्क्रिप्ट से एक जोक सुनाती हैं, जिसमें अखबार से लाइन ली गई थी कि महारानी सिस्टिन चैपल की छत को देर तक ताकती रहीं, और इसकी पंच लाइन थी कि उन्होंने अपनी शादी वाली रात के लंबे समय बाद ऐसा किया है। लेखिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये जोक महारानी के इटली टूर की खबर से नहीं बना है, ये उनके शाही परिवार, रोम, विदेश नीति या टूर की कोई बात नहीं करता है, बल्कि उनके छत ताकने को ही वर्ड प्ले में ढाला गया है। लेकिन जब तक आपके जोक का सेटअप या आइडिया अखबार से ही निकल कर आता है, तब तक दर्शक हंसते हैं, होस्ट मुस्कुराता है, और किसी को अखबार में सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि वे अपने छात्रों को ये भी बताती हैं कि वो इस तरीके की बुराई नहीं कर रही हैं, बल्कि ये स्केच कार्टून और अपने स्टैंड अप के लिए जोक लिखने का अच्छा तरीका है। इस तरह वो छात्रों को सैंडी टॉक्सविग और चेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया शो द न्यूज क्विज से एक जोक भी सुनाती हैं, जिसमें सरकार के नस्ल भेदी रवैये की खबर से जोड़ा गया था, लेकिन उसमें सरकार के रवैये से ज्यादा महज एक शब्द पर ही जोर देकर पंच लाइन बनाई गई थी। इसी जोक को ध्यान में रखते हुए सैली हॉलोवे ने छात्रों को समझाया कि ऐसे जोक बनाने के लिए खबर के शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है, और अखबार इस काम में खास भूमिका निभा सकता है। किसी खबर पर जोक बनाने के बजाय अखबार में लिखी गई मजेदार लाइंस को ढूंढिए, जैसे कि जब कैलिफोर्निया में आग लगी थी तब हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू शो की स्क्रीन पर अखबार की लाइंस दिखाई गई, जिसमें लिखा था कि कैलिफोर्निया के लोगों के पास जो कुछ भी था वो उसी को हाथ में लेकर आग बुझाने दौड़ पड़े। ये लाइन इसलिए भी मजेदार है क्योंकि ये कैलिफोर्निया के लोगों के बारे में जो भी सोच सभी रखते हैं वो इससे उजागर हो जाती है। इसी बात को समझाने के लिए वो अपने छात्रों से पूछती हैं कि बताइए कैलिफोर्निया के लोगों के पास क्या ज्यादा होता है जिसे हाथ में लेकर वो आग बुझाने दौड़ पड़े। एक छात्र ने ये सुनकर जवाब दिया, गेहूं ज्वारे का जूस। वहीं दूसरे ने कहा, झुर्रियां मिटाने वाली क्रीम, और एक ने कैलिफोर्निया में होने वाले ब्रेस्ट इम्प्लांट का नाम लिया। उसके ये बोलते ही पूरी क्लास हंस पड़ी और सबके दिमाग में ब्रेस्ट इम्प्लांट से आग बुझाने की तस्वीर उभर गई। फिर लेखिका इस जोक को पूरा सुनाती हैं। कैलिफोर्निया के लोगों के पास जो कुछ भी था वो उसी को हाथ में लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, ऑर्गेनिक जाजोबा, गाजर का जूस और थोड़ा बहुत पानी। ये जोक क्लास के छात्रों के सोचे गए आइडिया से ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं था। कैलिफोर्निया के लोगों से जुड़ी कोई भी खास पहचान हम यहाँ जोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम आग की दुखद घटना को नजरअंदाज कर सकते हैं और एक खबर से जुड़ा आइडिया लेकर दूसरे आइडिया में पिरोकर जोक बना सकते हैं। किसी भी जोक में लोगों की खास पहचान या परंपरा को उसके साथ जोड़ना जोक बनाने का एक बढ़िया तरीका है। इसके बाद सैली हॉलोवे ने अपने छात्रों को खबरों से सेटअप
और आइडिया ढूंढना सिखाया। इसके लिए वो छात्रों से कहती हैं कि आप सभी अखबार को एक अलग अंदाज में पढ़ना शुरू कीजिए। जो लोग अखबार से जोक आइडिया ढूंढते हैं वो खबर की सभी लाइनें बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। वो एक लाइन को कई अलग अलग वाक्यों और वाक्यांशों के ग्रुप के रूप में देखते हैं, ना कि एक साथ पूरे वाक्य की तरह। वो एक लाइन को कई अलग अलग वाक्यांशों में तोड़कर अलग कर देते हैं और फिर उसी से जोक आइडिया ढूंढ निकालते हैं। सैली हॉलोवे छात्रों को जोक आइडिया ढूंढने के लिए सही अखबार चुनने के बारे में भी बताती हैं। वो कहती हैं कि यूं तो इंटरनेट पर ढेरों लेख ब्लॉग मौजूद हैं, मगर जोक ढूंढने के लिए सबसे बेहतर एक अखबार ही रहेगा। सेलिब्रिटीज के बारे में लिखी गई खबरें और बेहद छोटे रूप में लिखी गई खबरें जोक आइडिया ढूंढने के लिए बढ़िया साबित होंगी। इसके साथ ही राजनीति से जुड़ी खबरों में अलग अलग पहलू ढूंढना भी जोक आइडिया सोचने के लिए फायदेमंद है। सैली हॉलोवे जोक लिखने वाले नए लोगों को सलाह देती हैं कि आप खबर पढ़ते समय अपने दिमाग पर ख्याल जरूर रखिए कि आपको जोक लिखना है, इसलिए खबर को बार बार पढ़ते रहिए ताकि आप उनसे मजेदार लाइन ढूंढ सकें। जब आप बार बार एक खबर को पढ़ेंगे तब आपका दिमाग उससे इतना बोर हो चुका होगा कि आप सिर्फ मजेदार लाइन पर ही निगाह रखेंगे, और कई बार जब आप कोई भी मुश्किल और टेढ़ी खबर में फंस जाएं, तो बस उसके शब्दों पर जोर दीजिए। पर ध्यान देने से ही हो सकता है कि आप उस पूरे वाक्य का ही मतलब बदल पाएं। अखबार से जोक लिखने के सबसे खराब और अच्छी बात यह है कि एक हफ्ते बाद ये खबर बासी हो जाती है, इसलिए अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे जोक लिखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप कहीं तुरंत कोई रिकॉर्ड करने जा रहे हैं या जल्दी ही किसी शो के लिए जोक लिखने हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर आप किसी लंबे समय तक चलने वाले स्टैंड अप टूर के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो ये घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन इसका फायदा आप यहाँ पर भी उठा सकते हैं। आप जोक में थोड़ी फेर बदल कर उसे दूसरी खबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आज एक नेता का अफेयर निकलकर सामने आता है और आप उस पर जोक बना लेते हैं, मगर समय के साथ ये खबर पुरानी हो जाएगी। लेकिन जब तक आपका ये जोक पुराना होगा तब तक शायद किसी दूसरे नेता का अफेयर खबरों में छा सकता है। इस तरीके का दूसरा नुकसान ये है कि जब दो लोग एक ही अखबार या खबर पढ़ते हैं तो इस बात के पूरे चांस हैं कि दोनों एक ही आइडिया पर पहुंच जाएं। इस एपिसोड का यही अंत करते हैं और बढ़ते हैं एक नए एपिसोड की ओर, जहां आपके लिए जोक लिखने का एक नया तरीका इंतजार कर रहा है। आप सुन रहे हैं सैली हॉलोवे की किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश हमारे यानी कुकु FM के साथ। क्या है ज्यादा खास, जोक या जोक का आइडिया? लेखिका सैली हॉलोवे बताती हैं कि वो एक कॉमेडियन के लिए चुटकुले लिख रही थीं। उस कॉमेडियन ने उन्हें कंपनी का ब्रोशर भेजा जिसे उन्होंने कई बार पढ़ा और कुछ जगह हाईलाइट भी किया जिसको वो जोक में बदल सकती थीं। उनके दिमाग ने उन लाइंस पर सोचना जारी रखा और अगले दिन भी उन्होंने उनके आधार पर कुछ आइडिया सोचे। उन्हें जब कुछ आइडिया आ गए तब खुश होकर उन्होंने कॉमेडियन को फोन किया। 2 घंटे बाद उसने फिर लेखिका को फोन किया। उसने उन्हें एक जोक सुनाया जो उसने खुद लिखा था। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि यह जोक लेखिका के आइडिया का नतीजा था। उसने उसी सेटअप लाइन का इस्तेमाल किया था जो उसे लेखिका ने ब्रोशर से पढ़कर बताया था, मगर उसका जोक लेखिका के जोक से बेहतर था। लेखिका आगे कहती है कि अगर गौर से देखें तो मेरे आइडिया के बाद ही उसको ये आइडिया आया था। इससे पहले ना तो उसने ब्रोशर देखा था ना ही उसे कोई आइडिया आया था, तो इस सिचुएशन में कौन ज्यादा काबिल है, मेरे आइडिया पर बेहतर जोक बनाने वाला या मैं जिसने ये आइडिया ढूंढा? सैली हॉलोवे अपने पार्टनर के बारे में बताती हैं कि जब भी वो मेरे साथ होते हैं तो एक ना एक जोक जरूर बना लेते हैं। हालांकि ये जोक मेरे अपने आइडिया या रिसर्च का ही नतीजा होता है। जब भी मैं जोक के विषय में उनको पहले बताती हूँ तो वो उतने जोक नहीं बना पाते हैं, लेकिन जब मैं अपनी रिसर्च और ढेरों आइडिया सोच चुकी होती हूँ तो उनका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। तो ये मान सकते हैं कि उनके जोक मेरी ही मेहनत का नतीजा है। लेखिका अपने एक दोस्त के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि वो जोक लिखने और पंच लाइन बनाने में बहुत तेज हैं। जिन स्केच को लिखने में मुझे घंटों लग जाते हैं उनके पंच लाइन वो चुटकियों में सोच लेते हैं। शायद इसी तरह एक पार्टनरशिप काम करती है। एक इंसान उस पर रिसर्च करता है तो दूसरा उसका इस्तेमाल कर जोक बना देता है। पहले मैं खुद को इस मामले में एक मेहनती इंसान के तौर पर देखती थी। मेरा मानना था कि मैं जोक इसलिए लिख पा रही हूँ
क्योंकि मैं इसे ज्यादा वक्त दे रही हूँ, लेकिन मैं जोक लिखने की क्लास लेने लगी और अपने छात्रों को रिसर्च और नए आइडिया पर काम करते देखा तो मैं भी तुरंत उनके इस रिसर्च का इस्तेमाल कर जोक या पंचलाइन बनाने लगी। जबकि ये छात्र ऐसी कोई पंचलाइन नहीं ढूंढ पा रहे थे, तब जाकर मुझे समझ आया कि किसी ना किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेखिका कहती है कि तो असली टैलेंट क्या है, किसी विषय पर रिसर्च कर नए आइडिया या पहलू ढूंढना या उससे जुड़ी पंचलाइन ढूंढना। असल में इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप लिखने को समय नहीं दे रहे हो तो शायद आप अच्छे जोक नहीं लिख पाएंगे। जब उन्होंने जोक लिखना शुरू किया था तब लिखने को समय देने के अलावा जोक या पंचलाइन बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन समय के साथ वो जोक लिखने के नए तरीकों से रूबरू होती गई और अब वो इन्हीं तरीकों के इस्तेमाल से अपने जोक लिखती हैं। वो इस किताब में दिए तरीकों की मदद से बहुत तेजी से जोक लिख सकती हैं। इसके लिए उनकी तारीफ भी की जाती है, लेकिन वो जोक लिखने में कितनी भी तेज क्यों ना हो जाएं, लिखने के लिए समय निकालना नहीं भूलती। जोक लिखने की पहली स्टेज में जहां वो नए आइडिया ढूंढती हैं और उन पर रिसर्च करती हैं, वहीं दूसरी स्टेज में वो इन आइडियाज पर काम कर उनके छोटे छोटे पहलुओं पर काम करती हैं और उनसे जोक लिखती हैं। लेखिका नए लेखकों से कहती हैं कि जोक लिखना शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे नए आइडिया दिमाग में आते हैं वैसे ही ये काम करते हुए मजा आने लगता है। जब आपको नए आइडिया आएंगे तो दिमाग भी उन पर काम करेगा। शायद यही वजह है कि कंपनियां भी लेखकों को एक साथ काम करने के लिए कहती हैं, ताकि वो आपस में मिलकर नए आइडिया ढूंढ सकें और एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार हो सके। किसी के विचार को जब दूसरा इंसान पंचलाइन में पिरोता है तभी जाकर उनकी मेहनत सफल होती है, और ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें एक के बाद एक काम होता है। पहले आइडिया ढूंढा जाता है, फिर उससे पंचलाइन निकाली जाती है। आप इनमें किसी भी स्टेज से बच नहीं सकते। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं। जानेंगे जोक लिखने के कुछ और तरीके अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश हमारे यानी कुकू FM के साथ। जोक लिखने में करें अपने पैशन का इस्तेमाल। लेखिका सैली हॉलोवे किताब के इस भाग में अपने छात्रों को उनके दिमाग में चल रहे ख्यालों को जोक में बदलने की तरकीब बताती हैं। जोक राइटिंग क्लास के पांचवें हफ्ते की शुरुआत करते हुए सैली हॉलोवे छात्रों से कहती हैं कि आज हम अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को लिखना सीखेंगे, साथ ही उन पर जोक बनाने की भी कोशिश करेंगे। आज मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग के कोने से कोई विचार खोजें और उसकी वजह पहचानते हुए उसमें हंसी का तड़का लगाएं। ये सुनकर छात्र कुछ देर तक शांति बैठे रहे। तभी सैली हॉलोवे उनमें जोश भरते हुए कहने लगी कि जो चीज तुम्हें तंग कर रही है शायद वो दूसरों के दिमाग की नसें खोल दे। अगर ऐसा ना भी हो तो एक ऐसी वजह तो होगी ही जिससे एक जोक, कटाक्ष या कोई मजेदार वाक्य निकलकर सामने आ जाए, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही किसी विषय पर लगातार बिना रुके 10 मिनट तक सबके सामने बोलकर दिखाएं। इस दौरान आप अपने कोई भी विचार, चाहे वो आपका गुस्सा ही क्यों ना हो, यहाँ पेश कर सकते हैं, भले ही इस दौरान आपको एक ही चीज कई बार दोहरानी पड़े। लेखिका जब भी कोई चीज या तरीका क्लास में सिखाती हैं, तब वो इसका एक उदाहरण क्लास के सामने जरूर पेश करती हैं। लेकिन जोक लिखने का ये तरीका इंसान के खुद के अंदर की आवाज पर ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए लेखिका ने क्लास में सभी छात्रों से इसके लिए आगे आकर बोलने की अपील की। सैली हॉलोवे की ये बात सुनकर क्लास का ही एक छात्र स्टीव सामने निकल कर आया और उसने कहा कि वो उन लोगों के बारे में बात करेगा जो बदलते क्लाइमेट के लिए इंसान को जिम्मेदार नहीं मानते। लेखिका ने उसकी तारीफ की और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि आगे बात बढ़ाने के लिए मदद की जरूरत है तो मेरी तरफ देखना। ये सुनकर स्टीव ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। स्टीव इस विषय पर बात करते हुए कई बार अटका, मगर सैली हॉलोवे बीच बीच में उसे कई शब्द और लाइन बताती रही जिससे कि उसने बोलना जारी रखा। स्टीव के वाक्यों और गुस्से से भरे विचारों को सुनकर क्लास में कई बार ठहाके भी गूंजे। इस तरह स्टीव 10 मिनट तक बोलता रहा। स्टीव की बात खत्म होने के बाद लेखिका ने छात्रों को समझाया कि इसी तरह जब आप लगातार लिखते रहते हैं तब आपके दिमाग में जोक के आइडियाज आते रहते हैं,
और जब तेजी से आप अपना दिमाग आइडियाज की ओर दौड़ाने लगते हैं, तब आपके पास आइडियाज भी ज्यादा आते हैं। जब आप इन्हीं आइडियाज को अगले दिन देखेंगे और उन पर काम करेंगे, तो आप उन आइडियाज को आगे बढ़ाकर एक जोक की शक्ल दे पाएंगे। सैली हॉलोवे इसके बाद छात्रों को तेजी से दिमाग दौड़ाने और लगातार लिखते रहने के तरीके समझाती हैं। वो कहती हैं कि सबसे पहले एक टॉपिक चुनें। ये टॉपिक आपका लोगों के बारे में नजरिया या कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है हो सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट को ना चुनकर उनको बनाने वालों के बारे में लिखेंगे तो जोक बेहतर बनेगा। ऐसे ही आप ट्रेन की बजाय ट्रेन चलाने वालों को चुनें, इससे आपके आइडियाज की गिनती बढ़ जाएगी और जोक भी निखर कर आएगा। टॉपिक चुनकर आप उसके बारे में 10 मिनट तक लगातार लिखें। इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि ये बात मुझे इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि, और फिर जितना हो सकता है उतना लिखें। और जब आपके दिमाग के आइडियाज कम पड़ जाएं, तो इस तरह के आइडियाज टॉपिक के साथ जोड़ें कि लोगों को इस बारे में क्या सोचना चाहिए। अगर मैं भगवान होता तो इसको ऐसे बदल देता। इसके बाद वो ये करेंगे, एक दुनिया ऐसी भी होगी जहां इसके उलट हो रहा होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे ही आइडियाज लेकर आप अपने टॉपिक पर आगे लिखते रहें। सबसे जरूरी और खास बात यही है कि आप लगातार लिखते रहें। इस दौरान आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप अच्छा लिख रहे हैं या बुरा। आप चीजों को दोहराने की चिंता छोड़कर बस तय समय तक लिखते रहें, फिर लिखने से ब्रेक लें और आपने जो भी लिखा है उसे पढ़ें। और आपके लिखे हुए में आपको कोई भी चीज आगे बढ़ाने लायक लगे तो उसे जरूर आगे बढ़ाएं। ठीक उसी तरह जिस तरह अखबार से जोक लिखते हैं या टॉपिक के अलग अलग पहलुओं को घुमा फिरा कर एक जोक बनाते हैं। लेखिका सैली हॉलोवे नए जोक लिखने वालों को ये भी सलाह देती हैं कि हो सकता है कि आप घंटों तक लिखते रहें, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहें, मगर आपको कोई भी जोक बनाने लायक कोई आइडिया मिले ही ना। ऐसे सिचुएशन में आप अपने लिखे हुए को एक बार और पढ़ लें। ये भी हो सकता है कि आपको तुरंत कोई जोक आइडिया ना सूझे, मगर एक दो दिन में आप उसी बात को एक अलग पहलू से सोचें और बात बन जाए। इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि अगर आपको सीधे तौर पर कोई जोक ना मिले तो शायद आपको कोई आइडिया वाक्यांश पकड़ में आ जाए जिस पर काम करके आप जोक बना सकते हैं। वो इस बात का भी जवाब देती हैं कि ये एक्सरसाइज बोल कर की जानी चाहिए या लिख कर। उनके अनुसार ये एक्सरसाइज बोल कर करने से काफी कारगर साबित हो सकता है, लेकिन आपको सुनने के लिए एक इंसान का होना जरूरी है और जब आप बोलें तो वो आपके रुकने पर हिंट भी देता रहे और उसे लिखता भी रहे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो पेपर पर लिखना ही बेहतर है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं। उम्मीद है कि ये तरीका आपके जोक आइडियाज बढ़ाने में मदद करेगा। आइए अब चलते हैं एक नए एपिसोड की ओर, जहां जोक लिखने का एक नया किस्सा हमारी राह देख रहा है। आप सुन रहे हैं सैली हॉलोवे की किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश, सिर्फ कुकू FM पर। जोक लिखने के तरीके पर ना हो शर्मिंदा। लेखिका सैली हॉलोवे बताती हैं कि BBC के रॉयटर्स रूम में सभी लेखक एक साथ लिखने के लिए बैठते हैं और भी लेखक अपना बेकार से बेकार आइडिया सबके साथ शेयर कर सकता है। भले ही आपका आइडिया कितना भी बेकार क्यों ना हो, उसके लिए लेखक को कभी जज नहीं किया जाता। सभी लेखक इस बात को जानते हैं, जो भी आइडिया वो शेयर करेंगे उनमें से कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बहुत बेकार भी होंगे, और ये सब लिखने का ही एक हिस्सा है। इन्हीं में से एक लेखक ने बताया कि जब भी वो दूसरे लेखकों के साथ आइडिया शेयर करने बैठता है, तब उसके लिए उस दौरान सबसे जरूरी बोलना होता है। अगर वो इस दौरान शांत रहता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और अगर वो अपने आइडिया शेयर करता है तो वो खुद को अपनी टीम के साथ जुड़ा हुआ पाता है। लेखिका सैली हॉलोवे लिखने के इस तरीके से सहमत होते हुए कहती हैं कि जब वो ट्रीटमेंट नाम के एक शो पर काम कर रही थी, तब शो के सभी लेखक एक दूसरे से सभी विषयों पर चर्चा जरूर करते थे। इस दौरान जब भी वो कोई बात कहती, चाहे वो कोई बुरा जोक ही क्यों ना हो, उससे दूसरे इंसान के लिए बात को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। इससे किसी भी आइडिया पर काम करना बेहद आसान हो जाता और काम करने के लिए कई नए आइडिया मिल भी जाते। और यही बात वो अपने छात्रों से भी कहती हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आइडिया जोक या कोई बात बेकार है, हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान की बात तुमसे भी ज्यादा खराब हो। लेखिका कहती हैं कि उनके समझाने के बावजूद कई छात्र उनसे जोक की तारीफ न पाकर बेहद मायूस हो जाते हैं।
वो सोचने लगते हैं कि उनकी टीचर हमसे बेहतर कर सकती हैं। लेकिन लेखिका का मानना है कि वो बेहतर तो कर ही सकती हैं, मगर वो खराब जोक भी सुना सकती हैं। वो किसी भी जोक या आइडिया को दबा कर नहीं रखती, बल्कि उसे बाहर आने देती हैं। वो अपने छात्रों से हमेशा कहती भी हैं कि एक अच्छा जोक लिखने के लिए आपको कई बेकार जोक लिखने होंगे, और उन बेकार जोक से पहले आपको कई अधपके और कुछ ऐसे जोक जिन पर हंसी भी ना आए से दो चार होना पड़ सकता है। ये एक तरीका है एक बेकार जोक से अच्छे जोक तक पहुंचने का, जिस पर आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इन अधपके और बेकार जोक पर काम करना बंद कर देंगे तो शायद आप कभी कोई अच्छा जोक लिख ही ना पाए। और ऐसा अक्सर तब होता है जब किसी के साथ ग्रुप में काम कर रहे हों और आप किसी के जोक या आइडिया को खराब बता दें तो शायद वो आगे बोलना ही बंद कर दे। लेकिन आप जब ध्यान से देखते हैं तो वो आइडिया इतना बुरा नहीं होता। आप उस आइडिया पर थोड़ा और काम कर उसे बेहतरीन जोक में तब्दील कर सकते हैं। सैली हॉलोवे कहती हैं कि वो इस मामले में बेहद खुशकिस्मत हैं कि उनके दोस्त उनकी हर बात को बिना जज किए सुनते हैं। अगर उन्हें कोई जोक पसंद नहीं भी आता है तो वो उस पर कमेंट कर बता देते हैं, जिससे लेखिका को जोक का नया आइडिया मिल जाता और जोक बेहतर हो जाता है। लेखिका कहती हैं कि अगर वो अपनी इस सोच से आजाद नहीं हो पाती कि उनके दोस्त उनके बेकार जोक को किस तरह से लेंगे, तो वो कभी एक अच्छा जोक लिख ही नहीं पाती। इसलिए वो अपने खराब आइडिया को भी सबके साथ शेयर करती हैं, जिससे उनका आइडिया और बेहतर हो सके। कुछ लोग कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और लोगों के डर से अपने आइडिया खुद तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब तक आप 100 खराब जोक नहीं लिखेंगे तब तक एक अच्छा जोक नहीं लिखा जाएगा। लोगों को जोक की तरह लेना चाहिए। जोक किसी की सफलता का कोई पैमाना नहीं है। इसलिए अपने आप को जज करना बंद कीजिए और जोक लिखने के इस तरीके में शामिल हो जाइए। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। जोक लिखने की और भी बारीकियां जानने के लिए सुनते रहिए द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश कुकू FM पर। जोक में अजीबोगरीब पहलू जोड़कर सबको हंसाएं। लेखिका सैली हॉलोवे की जोक राइटिंग क्लास अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस क्लास में वो छात्रों को तैयार किए जोक आइडिया में नए नए पहलू और अजीब सवाल जोड़कर जोक लिखना सिखाती हैं। वो कहती हैं कि ये तरीका जोक लिखने के बाकी तरीकों से ज्यादा समय लेता है। उनका मानना है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल भी हो। इसी के साथ वो छात्रों से कहती हैं कि आप इस तरीके की मदद से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछकर उसे मजेदार बना सकते हैं। फिर वो इसी उदाहरण के साथ छात्रों को समझाने की कोशिश करती हैं और वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को टॉपिक के तौर पर चुनती हैं। इस टॉपिक पर वो छात्रों से पहला सवाल करती हैं कि एलियंस को डेमोक्रेसी का मतलब बताइए। ये सुनकर एक छात्र ने कहा, इस सिस्टम में लोग वोट डालकर अपना नेता चुनते हैं। सैली हॉलोवे ये सुनकर बोली कि वोट और लोग को और आसान बनाओ, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। तब उस छात्र ने कहा कि हमारे ग्रह के लोग सोच विचार पर अपना नेता चुनते हैं। लेखिका को ये जवाब थोड़ा ठीक लगा और उन्होंने कहा कि मान लो कि अगर तुम एलियन हो और लोगों को वोट डालकर अपना नेता चुनते देख रहे हो, ये देखकर एलियन यानी तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तब एक छात्र ने कहा, ये सिस्टम एलियंस के लिए बेहद मुश्किल होगा। एलियंस को तो चुनावों की जरूरत ही नहीं होगी, वो तो एक दूसरे का मन पढ़कर ही ये पता लगा सकते हैं कि अब क्या करना है। सैली हॉलोवे ये बात सुनकर बोली, अब यही पहलू हमारे देशों की डेमोक्रेसी पर लागू करो। छात्र ये सुनकर बोले, अगर ऐसा है तो यूरी गैलर या डेरन ब्राउन दुनिया के राष्ट्रपति होंगे। इसके बाद क्लास के छात्र एक मन की बातें जानने वाले इंसान के देश के राष्ट्रपति होने पर ही चर्चा करते रहे और इससे और भी आइडिया निकल कर सामने आए। इस तरह नेताओं और मन पढ़ने वालों पर आसानी से डबल जोक वेब बनाई जा सकती है। फिर लेखिका ने दूसरा सवाल किया कि अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी किस तरह से एक दूसरे से अलग है। ये सुनकर छात्रों और लेखिका ने काफी देर तक कम्युनिस्ट देशों पर माथापच्ची की, लेकिन कोई भी आइडिया निकल कर सामने नहीं आया। ये सुनकर छात्र निराश हो गए। उन्हें जोक आइडिया ना मिलने पर असहज महसूस हो रहा था, लेकिन एक अच्छे जोक तक पहुंचने के लिए कई बुरे जोक का सामना करना पड़ता है। ये ठीक उसी तरह है कि आपको एक अनजान रसोई में जाकर चाय पत्ती ढूंढने के लिए सभी ड्रॉर खोलने पड़ते हैं। फिर छात्र दूसरे सिस्टम के नाम गिनाने लगे। एक ने कहा, कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जहां नेता भगवान चुनते हैं।
ये सुनकर सैली हॉलोवे ने उन्हें ये आइडिया डेमोक्रेसी पर लागू करने के लिए कहा। वो छात्र कुछ देर तक सोचता रहा और वो बोला, उस सिस्टम में केवल भगवान ही वोटर होंगे, क्या उनके वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए जाते होंगे? ये सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। इसी तरह और भी आइडिया निकल कर सामने आए कि ये तो सिर्फ एक भगवान की बात हो रही है, लेकिन बाकी भगवान भी क्या इसमें वोट कर पाएंगे? इसी तरह सैली हॉलोवे ने अपने छात्रों से मैनिफेस्टो, बैलेट बॉक्स से अजीबोगरीब पहलू और सवाल जोड़कर जोक बनाना सिखाया। साथ ही उन्होंने बताया कि किन्हीं दो अलग अलग चीजों के बीच समानता ढूंढकर भी एक जोक बनाया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के नजरिए से सोचिए जो विषय से सीधे या इनडायरेक्टली जुड़े हों। सैली हॉलोवे जोक लिखने वाले लोगों को आने वाली कई परेशानियों का भी उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं कि कई बार ये तरीका समझ में आने के बावजूद अमल में लाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप उन चीजों को नए नजरिए से सोचिए जिन पर आप जोक बनाना चाहते हैं। ये मानकर चलिए कि आप एक बच्चे या ऐसे इंसान को समझाने जा रहे हैं जिसे इस विषय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान भाषा एकदम उनके हिसाब से लिखी होनी चाहिए। ऐसा आप बार बार करें, आप कोई ना कोई मजेदार जोक जरूर ढूंढ लेंगे। वहीं ये तरीका जोक को अजीबोगरीब ना बनाने के मकसद से भी अपना सकते हैं, जिससे कि जोक एकदम साधारण लेकिन मजेदार लगे। इसके लिए आप अपने खुद के सवाल तैयार कीजिए और उनके जवाब आम भाषा और रोजमर्रा की चीजों को जोड़कर लिखिए। इसके लिए आप अखबार या मैगजीन की मदद ले सकते हैं। सैली हॉलोवे कहती हैं, आप जो लिख रहे हैं उसे लिखने के बाद पढ़ जरूर लें। ऐसा करने से आप अपनी लिखी हुई लाइंस में और भी मजेदार आइडिया ढूंढ पाएंगे। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आपसे अब एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी, नए एपिसोड में जहां हम जानेंगे जोक लिखने के एक और तरीके की बारीकियां। आप सुनते रहिए सैली हॉलोवे की किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग का पुस्तक सारांश हमारे यानी कुकू FM के साथ। जोक आइडिया को बीच में ना छोड़ें। अब तक आप जोक लिखने के नए नए तरीकों और पहलुओं से रूबरू हो चुके हैं और द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग के पुस्तक सारांश के इस नए एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आइडिया को बेहतरीन जोक में बदलने का तरीका। आइए सुनते हैं इसके बारे में। जब कोई जोक या पंचलाइन आपकी मेहनत या आपकी सोच से बनकर सामने आती है तो एकदम जादुई एहसास होता है। आपको अपनी सोच या आइडिया पर गर्व होने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है असली जादुई एहसास क्या है? जब आप अपने आइडिया पर काम करने लगते हैं तब आपको एक अलग ही एहसास होता है, और यह एहसास सिर्फ अच्छे या तुरंत हंसी लाने वाले आइडिया तक सीमित नहीं है। अगर आप अधपके, अजीबो गरीब और सोचने वाले आइडिया पर भी काम करके एक अच्छा जोक बनाएंगे तो ये एहसास दोगुना हो जाएगा। स्पाइक मिलिगन को एक बेहतरीन जोक राइटर माना जाता था। वो जोक तो अच्छे लिखते ही थे, मगर उनकी सबसे बड़ी खासियत थी वो किसी आइडिया पर बीच में काम करना नहीं छोड़ते थे। लेखिका सैली हॉलोवे कहती हैं कि जब कोई उनके पास जोक सुनाने आता है तो अक्सर वो ये नहीं सोच पाती हैं कि वो इस जोक तक कैसे पहुंचा, और जोक लिखने के तरीके का यही ख्याल उनके मन में रोमांच पैदा कर देता है। बेशक इसमें किसी आइडिया को बीच में ना छोड़ने की मेहनत जुड़ी हुई है, जो कि एक जादुई एहसास है। लेखिका बताती हैं कि एक बार वो साइनफील्ड का एक एपिसोड देख रही थी जिसमें इसके दो किरदार जेरी और जॉर्ज एक नाजी नेता की कार में सवारी बनकर बैठ जाते हैं और जॉर्ज को नाजी नेता समझ लिया जाता है, और इस कंफ्यूजन से जो कॉमेडी का जादू शुरू होता है वो वाकई लाजवाब है। लेखिका पहले तो ये सोचकर दंग रह गईं कि शो के लेखक ने ये आइडिया कैसे सोचा होगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए जब उन्होंने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि लेखक लैरी डेविड ने एयरपोर्ट पर गलत कार में बैठने का आइडिया कई सालों तक अपने बोर्ड पर लिख के रखा था, और इसी आइडिया पर काम करते करते उन्हें एक नाजी लीडर की कार में बैठने का विचार आ गया। इस बात को सरल शब्दों में समझें तो लैरी डेविड ने इस ख्याल को बोर्ड पर लिखकर उस पर अलग अलग आइडिया के काम करना जारी रखा, जिससे उनका आइडिया और भी बेहतर होता गया। अगर वो आइडिया बीच में ही छोड़ देते तो शायद वो इतना लाजवाब एपिसोड नहीं लिख पाते। सबसे खास बात यह है कि उन्हें ये आइडिया आया, और दूसरी खास बात यह है कि उन्होंने ये आइडिया एक जगह लिख लिया। आपको ये बात बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अच्छे आइडिया को लिखने तक की मेहनत नहीं करते।
लेखिका कहती हैं कि जब भी उन्हें कोई आइडिया आता है तो वो सोचती हैं कि वो उसे याद रखेंगी, मगर ऐसा होता नहीं है। आप एक आइडिया को लिखकर उसका सम्मान कर रहे हैं और ये आइडिया अलग अलग समय पर एक नए पहलुओं से जुड़कर दिमाग में रहकर अपनी बेहतरी का रास्ता बना लेता है। लेखिका कहती हैं कि जब उन्होंने आइडिया लिखने की बात अपनी क्लास में कही तो छात्रों ने उनसे कई सवाल किए, जैसे अगर किसी के पास समय ना हो, दो आइडिया एक साथ आए हों या डेडलाइन नजदीक हो तब क्या किया जाए। ऐसे में लेखिका ने उन्हें सलाह दी कि इस सिचुएशन में आप उन आइडिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से उन्हें तराश लें और देखें कौन सा आइडिया अच्छा उभर कर आता है। इसके लिए आप ओपन माइक का भी सहारा ले सकते हैं, जहां पर लोग अपने आइडिया और जोक सुनाते हैं और उनमें लोगों के रिएक्शन के अनुसार बदलाव करते हैं। ये किसी आइडिया को बेहतर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है और सिर्फ बेहतर ही नहीं उसकी कमियां भी पता चल जाती हैं। इसलिए किसी भी आइडिया को बेकार मत जाने दीजिए, उसे एक पौधे की तरह बढ़ाइए, जिस तरह किसी फल को फर्मेंट करके उसके स्वाद में इजाफा किया जाता है, उसी तरह एक आइडिया पर काम करके उससे जोक बनाया जा सकता है। जब तक आप एक आइडिया पर काम नहीं करेंगे, उसे दूसरे आइडिया, पहलू और सोच के साथ घुलने नहीं देंगे, तब तक आप उसमें जादुई एहसास नहीं जोड़ पाएंगे। इसी सलाह के साथ द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग के पुस्तक सारांश का ये एपिसोड यही खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नई सीख और तरीके के साथ। आप सुनते रहिए कुकू FM। जोक को और मजेदार कैसे बनाएं? सैली हॉलवे की जोक राइटिंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। उनके छात्र जोक लिखने के कई तरीकों से वाकिफ हो चुके हैं। वो शब्दों और पहलुओं में हेर फेर कर, अखबारों से मजेदार लाइन ढूंढकर, दो टॉपिक को जोड़कर आसानी से जोक आइडिया सोच सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए एक मजेदार जोक और उसे किसी सिचुएशन में ढालना अभी भी उतना आसान नहीं है। सैली हॉलवे कहती हैं कि जोक आइडिया के लिए भले ही ढेरों एक्सरसाइज मौजूद हों, लेकिन जोक को तराशने और उसे ज्यादा मजेदार बनाने के लिए कोई एक्सरसाइज उनके पास नहीं है। ये एक इंसान पर ही निर्भर करता है कि वो एक सिचुएशन या जोक आइडिया को कैसे एक मजेदार जोक में ढाले। और बात ये भी है कि आप किसी को कॉमेडी करने का अंदाज या स्टाइल नहीं सिखा सकते, क्योंकि हर इंसान इसे अपने तरीके से करता है। इसलिए लेखिका कहती हैं कि वो छात्रों को बस इससे जुड़े टिप्स दे सकती हैं और उदाहरण देकर समझा सकती हैं। और जोक को मजेदार बनाने का सबसे पहला रूल ये है कि इसका कोई रूल ही नहीं है। इससे जुड़े कुछ निर्देश ही हैं, मगर वो भी एक दूसरे के उलट काम करते हैं। छात्रों को समझाने के बाद लेखिका सैली हॉलवे उन्हें इससे जुड़े कुछ निर्देश बताने लगी। उन्होंने पहली गाइडलाइन बताते हुए कहा, आप जब एक पुराने आइडिया या जोक को थोड़ा फेर बदल कर नए रूप में ढाल लें, तब भी आप पुराने आइडिया को संभाल कर रखें, क्योंकि हो सकता है उससे आपको और भी नया आइडिया मिल जाए। वहीं दूसरी गाइडलाइन है कि जोक के खराब होने पर भी घबराए नहीं, बस ये ध्यान रखें कि एक खराब जोक ही एक अच्छे जोक की नींव रखता है। इसलिए खराब आइडिया पर भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा लें, जिससे कि उससे कुछ नया अच्छा निकल कर आने के चांस बने रहें। वहीं तीसरी और सबसे जरूरी गाइडलाइन है कि जब भी आपके दिमाग में कोई जोक या आइडिया आए, तो उसे तुरंत वैसे ही शब्दों में लिखें जैसा कि उसे सोचा गया है। आप उन शब्दों को फिर से वैसा नहीं पा सकते। जोक रेगिस्तान के मिराज, एक अंधे प्यार या सच की झलक की तरह होते हैं। आप उन पर जितना काम करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे, जो कि आपके जोक के लिए बेहतर है। लेखिका इस बात पर भी जोर देती है कि जोक को तभी सुधारें या और मजेदार बनाएं जब उसे वाकई इसकी जरूरत हो, और ये पहचानने के लिए आप इसे तेज आवाज में बोलें या अपने किसी दोस्त को सुनाएं। अगर वो इस पर हंसते हैं तो समझिए आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप जोक को तेज आवाज में बोलें और इसे आसानी से ना बोल पाए, यानी कि अभी भी आपके मन में इसे लेकर झिझक या कंफ्यूजन है और आप पंचलाइन तो दूर, सेटअप भी ढंग से फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वाकई इसमें सुधार की जरूरत है। सैली हॉलवे बताती हैं कि अगर आप जोक में सुधार करने जा रहे हैं, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस जोक का सबसे बेहतरीन हिस्सा क्या है, जिसे बदलने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये पहचान लेते हैं, तब आप जोक में उस हिस्से को छोड़कर कितने भी बदलाव कर सकते हैं। इससे आपके जोक की आत्मा, यानी कि आपका आइडिया, बदलाव के बावजूद जस का तस बना रहेगा। लेखिका इसका उदाहरण बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने एक बार अपने एक छात्र के स्टैंड अप एक्ट के लिए एक जोक लिखा।
कि एक फकीर होने के चलते कई सालों तक सेक्स ना करना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन इसमें मैं मेरी शरण में आने वाले आदमियों के दुख को बेहतर समझ पाया हूँ। जब ये जोक पहली बार स्टेज पर सुनाया गया तब लोगों ने इस पर खूब ठहाके लगाए, लेकिन उस छात्र ने इसके शब्दों को बदल कर कुछ ऐसा कर दिया कि मैं एक फकीर हूँ और एक सन्यासी भी, एक वैसा ही सन्यासी जैसे कि ऑडियंस में बैठे शादीशुदा आदमी है। इस जोक पर लोग उतना नहीं हंसे। इसके शब्दों के फेरबदल करने से इसकी आत्मा मर गई। जब तक इसमें लंबे सालों तक सेक्स ना करना शामिल था तब तक लोग इस पर खूब हंस रहे थे। सन्यासी शब्द का इस्तेमाल करने से ये लोगों की समझ से बाहर हो गया और लोग इसे हजम नहीं कर पाए। इसलिए जब आप भी एक जोक को तराशें, ये जरूर ध्यान रखें कि इसके कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा हंसी आ रही है और उसे वैसा ही रहने दें। वहीं अगर जोक में कोई ऐसा हिस्सा ही नहीं है तब आप जोक आइडिया को किसी और तरीके से जोक में बदलें और एक डॉक्टर की तरह उस आइडिया पर काम करके उसे बचा लें और एक जोक में बदल लें। अगर तब भी बात ना बने तो इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। सैली हॉलोवे बताती हैं कि जब आप अपने जोक का वो हिस्सा ढूंढ लें जिस पर ज्यादा ठहाके लग रहे हों या उसकी आत्मा को पहचान लें तब आप इसमें सुधार करना शुरू कर दें। जोक में सबसे पहले ये देखें कि कहीं आपकी पंचलाइन ज्यादा लंबी तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसे कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश करें, उतने ही शब्दों में जितने इस जोक को पूरा करने के लिए जरूरी है। वो बताती हैं कि कई बार एक जोक में शब्दों की कमी होती है, उसे और निखारने के लिए उसमें और शब्द जोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे जुड़ा वाक्य बताते हुए लेखिका कहती हैं कि एक बार वो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने के लिए क्लब गई। उस क्लब में साउंड सिस्टम बहुत खराब था, पीछे बैठे होने के कारण आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन वो फिर भी ये पहचान पा रही थी कि पंच लाइन कहाँ है। ये कॉमेडी की जोक सुनाने की टाइमिंग की वजह से ही समझ आ रहा था, और टाइमिंग के लिए जोक सुनाने की कला में लय और दोहराव भी जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि आप लय बनाने के लिए दूसरे कॉमेडियन, करेक्टर या कार्टूनिस्ट का तकिया कलाम ना चुनाएं, बल्कि अपना नया अंदाज इजाद करें। बड़े बड़े कॉमेडियन अपने जोक के पंचलाइन के बीच में आप जानते हैं, अरे नहीं, अरे सच में जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी टाइमिंग और पर्सनैलिटी को एक नया आयाम देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब आप एक जोक में सुधार कर उसे और मजेदार बना लें तो उसे अपने अंदाज में ढालना ना भूलें। इससे आप जोक को एक नया आयाम और हंसी की गूंज दे पाएंगे। लेखिका बताती हैं कि जब आप किसी सिटकॉम या स्केच के लिए जोक लिखें तब उसके किरदारों को ध्यान में रखकर जोक लिखें। जोक लिखते समय ये जरूर याद रखें कि जिस किरदार के लिए आप जोक लिख रहे हैं वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, फिर उसी के हिसाब से उसके लिए जोक लिखें। इससे आप एक सीन आसानी से लिख पाएंगे, साथ ही वो जिस तरह का बर्ताव करते हैं उसके पीछे की मनोदशा को भी जोक में भुनाने की कोशिश करें। आप धीरे धीरे उस किरदार की आदतों का अपने जोक में इस्तेमाल करें, इससे आपका सिटकॉम स्केच वीडियो वाकई निखर कर आएगा। वहीं जब कार्टून से जुड़े जोक की बात आती है इसका अंदाज बाकी चीजों से थोड़ा अलग है, लेकिन इन्हें सुधारने का तरीका स्केच या स्टैंड अप जैसा ही है। कार्टून के जोक में आप रोजमर्रा की चीजों या खबरों के इस्तेमाल से जोक को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही इसमें इस्तेमाल हो रहे शब्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। और अगर आप जोक के साथ साथ ड्राइंग भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा और आपकी मांग काफी बढ़ सकती है। लेखिका जोक लिखने वालों की परेशानी को दूर करते हुए बताती हैं कि जब आपके पास कई सारे अधपके जोक हों लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो उनका माध्यम बदल कर देखें। जैसे कि अगर कोई जोक स्टैंड अप में नहीं चल रहा है तो उसे कार्टून या स्केच में इस्तेमाल करके देखें। इस तरह से आप एक जोक को किसी खास माध्यम के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसे अलग अलग जगह पर फिट करने की कोशिश करें। और जब आप जोक आइडिया से जोक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, बल्कि उस आइडिया को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उस पर थोड़ा बहुत काम करके उसे जोक की शक्ल में बदलिए। अगर आप एक स्टैंड अप में कोई नई पंच लाइन या जोक ट्राई करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले ना सुनाकर उसे पुराने एक्ट में बीच में शामिल कीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपके दर्शकों को ये नया जोक पुराने जोक के मुकाबले कम पसंद आता है तो भी वो निराश नहीं होंगे और आप अपना नया कंटेंट लोगों के सामने पेश कर उसकी जांच कर पाएंगे। इन्हीं तरीकों और टिप्स के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए एपिसोड की ओर, जहां जानेंगे जोक लिखने की कुछ और बारीकियां। आप सुनते रहिए द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग
का पुस्तक सारांश सिर्फ कुकू एफएम पर। जोक आइडिया सोचने से ना डरें। लेखिका सैली हॉलवे बताती हैं कि उनकी एक कॉमेडियन दोस्त ने उनसे एक बार शिकायत की कि वो कुछ नया कॉमेडी कंटेंट नहीं बना पा रही हैं। तब उन्होंने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा कि वो इसके लिए कितना समय दे रही हैं। तब उसने हंसकर बताया कि बिल्कुल भी नहीं, लगता है यही कारण है कि मैं कुछ नया नहीं कर पा रही। अगर वो उस समय शिकायत करने की बजाय नए आइडिया पर काम करने में लगती तो शायद कुछ जोक तैयार हो ही जाते। मगर उसकी शिकायत ये भी थी कि जब भी वो लिखने बैठती है कोई आइडिया आता ही नहीं है, जिसकी वजह से गुस्सा और बढ़ जाता है। लेखिका उसकी इस बात से सहमत थी और बोली कि ऐसा अक्सर लेखकों और कॉमेडियन के साथ होता है। पहली बार बैठकर कुछ काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात को स्वीकार कर लेना और आगे बढ़ते रहना ही एक सफल इंसान की निशानी है। लेखिका आगे बताती हैं कि जब भी वो अपनी क्लास में छात्रों को नए आइडिया सोचने या नई एक्सरसाइज करने के लिए देती हैं, तब ज्यादातर लोग घबराते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं उनका आइडिया दूसरे जितना फनी नहीं हुआ तो, या लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन ये तो सिर्फ लिखना भर है, जोक को किसी को सुनाना भी नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि हम सभी सोचने से भी घबराते हैं। लेखिका अपना निजी अनुभव बताती हैं कि जब वो खुद कॉमेडियन थीं, तब वो भी खुद अच्छा आइडिया सोचने के लिए काम करती थीं। साथ ही वो दो आइडिया को एक साथ मिलाकर जोक बनाने और उसके अलग अलग पहलुओं में बदलाव लाकर कुछ नया सोचती थीं। और उनके लिए भी ये पहली बार बहुत मुश्किल होता था। जिंदगी में कभी भी नए रास्ते पर चलना मुश्किल तो होता ही है, लेकिन जब हमें उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता हो, और जोक लिखना भी ठीक वैसा ही काम है, मगर जोक लिखने के लिए इस रास्ते से गुजरना ही होता है। जोक लिखना लिखने से ज्यादा सोचने का काम है, जिसमें हमें अपने दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालों से गुजरना पड़ता है, जिससे हम घबरा जाते हैं। जोक लिखना मुश्किल काम तो है ही, वरना जोक पर कोई इतनी आसानी से नहीं हंसेगा। इसलिए जोक को आसान और सबकी समझ में लाने के लिए इतनी मेहनत की जाती है। जोक किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बात के मुद्दों को घुमा फिराकर और उसके शब्दों में हेरा फेरी करने से ही बनता है, और ये काम आइडिया पर काम करने के बाद ही हो सकता है। जोक बनाने के लिए आपको अपने आइडिया के अलग अलग पहलू पर काम करना होगा, जिससे आपको एक बेहतरीन जोक मिल जाएगा। और जब आप ये जोक सुनाते हैं, तब सुनने वाले को ये मालूम नहीं होता कि आप इसके अलग अलग पहलू पर काम कर चुके हैं, जहां कोई जोक नहीं बन सकता था। और उन्हें ये बताने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो बस उन अलग अलग पहलुओं पर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब इस तरीके से वाकिफ हो जाते हैं तो जोक लिखने की तरकीब बेहद आसान लगने लगती है। लेखिका बताती हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि वो अपनी क्लास में जोक लिखना बेहद आसान बना देती हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो यही काम बहुत मुश्किल लगने लगता है। लेखिका इसका कारण बताते हुए कहती हैं, क्लास में कई सारे दिमाग एक ही आइडिया के अलग अलग पहलू पर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आइडिया के सारे पहलू पर सोच विचार अच्छे से कर लिया जाता है। साथ ही क्लास में कोई ध्यान भटकाने वाला भी नहीं होता, ना ही करने के लिए कुछ और होता है, और छात्र जोक सीखने के लिए ही पैसे दे रहे हैं। ऐसे में चाहे कोई कितना भी क्यों ना घबराए, उसे ग्रुप की एनर्जी जोक लिखने का हौसला देती रहती है। और जब छात्र घर पर जोक लिखने बैठते हैं, तब उनका पुराना दुख उन्हें घेर लेता है कि वो सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। साथ ही इस दौरान आइडिया के अलग अलग पहलू पर काम करने में वक्त लगता है, क्योंकि अब उनके साथ कोई आइडिया के अलग अलग पहलू से रूबरू कराने वाला नहीं होता है, इसलिए हिम्मत जल्दी जवाब दे जाती है। लेखिका कहती हैं कि उनके लिए भी क्लास में जोक का आइडिया या जोक सोच पाना घर के मुकाबले आसान ही होता है। और जब भी वो घर पर जोक लिखते वक्त अटक जाती हैं, तब वो ये कल्पना करने लगती हैं कि वो एक क्लास में है। ऐसा करने से वो जोक लिख पाने में सफल भी रहती हैं। लेखिका लोगों को भी ऐसा करने की सलाह देती हैं और कहती हैं कि जोक लिखते समय घबराना एक नेचुरल बात है, आपको इसे स्वीकार कर अपना काम जारी रखना चाहिए। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। जानेंगे लेखिका सैली हॉलवे के कुछ और अनुभव और किस्से द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग के पुस्तक सारांश के नए एपिसोड में। सुनते रहिए कुकू एफएम। जोक लिखने का वाक्य। किताब के इस अंतिम हिस्से में लेखिका सैली हॉलवे अपनी जिंदगी के उन दिनों का जिक्र कर रही हैं, जब वो अपनी एक दोस्त के कॉर्पोरेट कॉमेडी शो के लिए जोक लिख रही थी।
उनकी दोस्त कई दिनों तक दिमाग दौड़ाने के बावजूद कोई भी आइडिया नहीं सोच पा रही हैं। वहीं लेखिका अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से भी परेशान थीं और उन्हें देखभाल के लिए उनके पास जाना था। ऐसे में जोक लिखना उनके लिए एक मुश्किल भरा काम था। इस दौरान वो अपनी क्लास में सिखाए गए तरीकों की मदद से ही जोक लिखती हैं। जब लेखिका अपनी माँ के घर पहुंची तब उन्होंने अपनी दोस्त के द्वारा भेजा गया ब्रोशर देखा और कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। उन्हें पता था कि ये कंपनी घर बनाती है और इस समारोह में वो अपने मैनेजर्स को अवार्ड देने जा रही है। जब उन्होंने ब्रोशर देखा तो उन्होंने कई शब्द अंडरलाइन किए, जैसे कि ब्रोशर में लिखा था कि हमारे नियम कंपनी के कर्मचारियों के लिए बाइबल की तरह हैं। तब उन्होंने यहाँ से बाइबल शब्द उठाया और अपनी दोस्त के लिए लिखा कि मेरे पति जो कि यहूदी हैं, वो इनमें से आधे का ही पालन कर पाएंगे। वो रात भर ब्रोशर से लिए गए आइडियाज पर सोचती रहीं। फिर अगले दिन उन्होंने चुने गए और भी शब्दों पर भी जोक बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने ब्रोशर पर एक बार और नजर डाली और देखा कि कंपनी के ब्रोशर में लिखा है कि कंपनी अपना प्रॉफिट बांटती नहीं है। ये देखकर उन्होंने लिखा कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो अपना प्रॉफिट बांटते नहीं है, क्या ये मतलबी होने की निशानी है? फिर उन्होंने बाइबल और घर बनाने जैसे शब्दों पर डबल जोक वेब तैयार की। अगले दिन जब वो लिखने बैठी तब तक वो वेब तैयार कर चुकी थी, मगर उन्हें उसे जोड़ने का समय नहीं मिला। उन्होंने पहले दोनों टॉपिक बाइबल और घर बनाने से जुड़े सामान शब्दों पर नजर डाली और उन्हें कारपेंटर शब्द मिला। फिर उन्होंने इसी की मदद से कई जोक बनाए, जैसे कि भगवान का एक बेटा कारपेंटर था, क्या उनका दूसरा बेटा एक इलेक्ट्रीशियन था? वहीं एक और जोक था कि क्या भगवान ने अपने कारपेंटर बेटे की मदद से ही दुनिया बनाई थी? वो ऐसे जोक लिखकर काफी खुश थीं। अगले दिन लेखिका के भाई उनसे मिलने के लिए आने वाले थे, इसलिए उन्हें लिखने के लिए कम समय ही मिलता। मगर उनके भाई ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि वो थोड़ी देर से आएंगे। इसका फायदा उठाकर लेखिका 20 मिनट के लिए जोक लिखने बैठ गईं। उन्हें लग रहा था कि वो अब और जोक नहीं लिख पाएंगी, लेकिन वो ये भी जानती थीं कि ये उन्हें हर बार महसूस होता है। उन्होंने उस दिन घर बनाने की इजाजत और भगवान के साथ दिन में दुनिया बनाने को जोड़कर एक जोक तैयार किया कि भगवान ने सात दिन में दुनिया इसलिए बना दी थी क्योंकि उन्हें इसे बनाने के लिए सरकार की इजाजत नहीं चाहिए थी। उन्होंने अवार्ड समारोह से जुड़े पहलुओं जैसे सज कर आना, रेड कार्पेट पर जोक तैयार करने के बारे में सोचा। उन्हीं जोक में से एक था कि जिन्हें अपने आप पर ज्यादा भरोसा है वो अवार्ड लेने के लिए बड़ा सा बैग लेकर आए हैं। दूसरा जोक था कि घर बनाने वाले मिस्त्री का अवार्ड पत्थर का बना होगा। जब लेखिका के भाई जो कि एक इलेक्ट्रीशियन थे घर आए तो उन्हें लेखिका के घर बनाने से जुड़े जोक को सुनकर खुशी हुई। उन्हें भगवान के छोटे बेटे के इलेक्ट्रीशियन होने पर सबसे ज्यादा हंसी आई। लेखिका को मिले ब्रोशर में लिखा हुआ था कि ये अवार्ड इस इंडस्ट्री के ऑस्कर माने जाते हैं। कई दिनों तक इस शब्द पर माथापच्ची करने के बाद जब वो लिखने बैठी तो उन्हें एक जोक सूझा कि क्या ऑस्कर अवार्ड समारोह की तरह यहाँ भी लोग एक दूसरे को फोन कर पूछ रहे थे कि आज तुम किस डिजाइनर के कपड़े पहन रहे हो? लेकिन वो ये सोच रही थी कि ये जोक उन लोगों को समझ भी आएगा या नहीं। मगर फिर भी लेखिका ने जितने भी जोक लिखे थे और आइडिया सोचे थे वो उन्होंने अपनी दोस्त को भेज दिए। अगले दिन सैली हॉलोवे की दोस्त ने उन्हें मैसेज किया कि उसने एक्स फैक्टर से जोक बना लिया है। हालांकि एक्स फैक्टर से जोक बनाने का आइडिया सैली हॉलोवे ने ही अपनी दोस्त को दिया था। अगले कई दिनों तक सैली ने कई और जोक लिखे और उन्हें बार बार तेज आवाज में बोलकर देखा कि क्या ये साइट मैनेजर की ऑडियंस के लिए फिट बैठ रहे हैं। सैली हॉलोवे के पास अब जोक लिखने के लिए कम ही समय बचा था। आखिरी दिन उन्होंने रिलेशनशिप और घर बनाने से जुड़ी एक जोक वेब तैयार कर कई जोक बनाए, जिनमें से एक था कि घर बनाना एकदम बीवी जैसा है, हर बार बजट से बाहर चला जाता है। इसी तरह सैली हॉलोवे ने अलग अलग दिन कुल 4.5 घंटे खर्च कर एक मुश्किल टॉपिक पर जोक लिखा। उन्होंने 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया और 10 से 15 आइडियाज ढूंढ निकाले। हालांकि वो सभी आइडियाज से जोक नहीं बना पाई, मगर कुछ अच्छे जोक उन्होंने जरूर तैयार किए। कंक्लूजन। किसी को रुलाना जितना आसान काम है, किसी को हंसाना उतना ही मुश्किल है। और हंसाना मुश्किल होगा भी क्यों नहीं, एक जोक बनाने में इतनी मेहनत जो लगती है। किसी जोक आइडिया को एक जोक में बदलना भी
किसी को हंसाने जितना ही मुश्किल है। और सैली हॉलोवे की किताब द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग के पुस्तक सारांश में इन मुश्किलों को बेहद आसानी से हल किया गया है। आज जब तनाव और डिप्रेशन ने रोजमर्रा की जिंदगी में घर बना लिया है, हंसी की जरूरत और बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज कॉमेडी शो से लेकर स्केच वीडियो, रोस्ट, इम्प्रोव और कार्टून की बाढ़ आई हुई है। ये कॉमेडी शो अब